दोपहर में 2:15 बजे जनरल रावत की अंतिम यात्रा शुरू हुई। जनरल रावत को सर्वोच्च स्थान सम्मान देते हुए उनका पार्थिव शरीर गन कैरेज पर बरार स्क्वायर लाया गया। गन कैरेज के आगे और पीछे तीनों सेना के 99 जवान चल रहे थे। जांबाज जनरल को आखिरी विदाई देने के लिए दिल्ली सड़क पर उतर आई थी। दोनों किनारे लोग उनकी तस्वीर और तिरंगा लेकर खड़े थे। चिर निद्रा में सोए बहादुर सैन्य ऑफिसर पर फूलों की बारिश की गई। जनरल रावत को ऐसी विदाई मिली जिसे भारत वर्ष याद रखेगा। सर्वोच्च सैन्य अफसर को विदा करने के लिए पूरी दिल्ली उतर आई थी सड़क पर। जज्बातों का ज्वार उठा था चारों तरफ। जब ग्रेट वॉरियर का आखिरी सफर शुरू हुआ तो पीछे पीछे तिरंगाधारी राष्ट्रभक्तों की भीड़ दौड़ रही थी। निष्प्राण योद्धा को अंतिम प्रणाम करने के लिए लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े थे। किसी के हाथ में तिरंगा था, कोई जनरल की तस्वीर लेकर खड़ा था। कुछ लोग फूलों की पंखुड़ियां उड़ा रहे थे वीर के पथ पर। मेरे साथ वो माता जी हैं जो सीने पर जनरल विपिन रावत की फोटो लेकर हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ रही थी। अब वो भी पहुंच गई है बरार स्क्वायर। तो माता जी से एक बार बात कर ले रहे। अम्मा, आप इस उम्र में अपने शहीद के लिए, अपने सेनापति के लिए दौड़ रही थी, क्या कहेंगी आज के दिन? आज के दिन हम मर चुके हैं, हम तो उसके लिए मर जाएंगे, विपिन रावत के लिए हम मर जाएंगे। उनकी शहादत को कैसे उनको याद कर रही है, उनकी शहादत को कैसे मान? मरते दम तक नहीं भूल सकते, हिंदुस्तान नहीं भूल सकता विपिन रावत की। ये मेरे जलत जलनामा है, राम सीता की जोड़ी है मेरी, और राम सीता की जोड़ी चली गई, एक साथ चली गई है। कैसे देश उनको याद कर रहा है? हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे, जिएंगे मरेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक राम सीता की जोड़ी का नाम रहेगा। अच्छा, आपने बालों में तिरंगा लगा रखा है, सीने पे दोनों की फोटो है, कितना भावुक पल है आज आपके लिए जब आपका सेनापति, इस देश का सेनापति, इस देश का बेटा, आप हम सबको छोड़कर अनंत यात्रा पर जा रहा है। खत्म हो गया, हम तो उसके पीछे मर जाएंगे, उसके पीछे हम मर जाएंगे। हमको मरना मंजूर है, पर हम ये चीज बर्दाश्त नहीं है हमको। वो चाहते थे कि सीमाएं मजबूत हो, दुश्मनों को जवाब दे, सेना के लिए बहुत काम करते थे। सेना के लिए तो हमारे दुश्मनों को पहुंच सकता था पूरे। ये मान है सुपर सेनापति का। ये सम्मान है सेना के सीनियर जनरल का। यही हासिल है जनरल बिपिन रावत की जिंदगी का। देश सेवा में अपनी जान समर्पित कर देने वाले जाबाज जनरल के लिए पूरा देश भावुक था। हर कोई स्तब्ध था, निशब्द था, हर आंख नम थी। धरती रो रही थी, आसमान रो रहा था, हर इंसान रो रहा था। आज तो बहुत दुख की घड़ी है हमारे देश के लिए। हम ये लोग जागते थे तो हम सोते थे, हम घूमते थे बच्चों के साथ, ऐश करते थे। रो रहे हैं आप, भावुक हैं आप, पूरा देश रो रहे हैं ऐसी। भीष्म पितामह थे सेना का,
ये भीष्म पिता थे सेना के। अमर रहेंगे वो, अमर रहेंगे हमेशा सबके दिलों में, सैनिक के लिए भी सबके लिए। ये महायात्रा थी उस सेनापति की जिसने पाकिस्तान के अंदर जाकर शत्रुओं पर प्रहार किया। जिसकी जिद और रणनीति के आगे डोकलाम में ड्रैगन बैक फुट पर आया। वो सुपरनायक जो पड़ोसी दुश्मनों की आंखों में चुभता था, जिसने हिंदुस्तानी सेना को सेवा, जज्बा और समर्पण का नया मंत्र दिया, वो जब आखिरी सफर पर थे तो पूरी कायनात भावुक थी। एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा मैं आपको, कैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान एक ट्रक पे खड़े होकर अपने कमांडर को अंतिम विदाई दे रहे हैं, अपने सेनापति को अंतिम विदाई दे रहे हैं। और आप देखिए पूरी सड़क, पूरे जहां जहां से लगभग 15 किलोमीटर का ये सफर तय कर चुका हूं, और इस 15 किलोमीटर में ऐसी कोई जगह मुझे नहीं मिली जो जगह खाली हो। दोपहर 2:17, 3 कामराज मार्ग से सेना की गाड़ी में जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा शुरू हुई। जनरल के बगल में पत्नी मधुलिका रावत का शव रखा था। जिंदगी के 35 बरस साथ साथ बिताने वाले दोनों आखिरी सफर में भी साथ साथ थे। भारतीय सेना के जिगर वाले सेनापति के पीछे पीछे वर्दीधारियों की पूरी पलटन थी और जयकारे अंबर से टकरा रहे थे। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, शब्द बयान नहीं कर सकता हूँ कि जितने भी यहाँ पे सेना के जवान खड़े हैं, कोई मतलब मैं 3 दिन से इस पूरी स्टोरी को फॉलो कर रहा हूँ, हर कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। चेहरा जो है सब कुछ उनका कह रहा है कि क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है कि परिवार का सबसे बड़ा मुखिया चला गया है, और किसी परिवार का सबसे बड़ा मुखिया चला जाए उसके बाद परिवार पे क्या बीतती है ये शायद वो परिवार समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। देश के तीनों सेना, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवल हो, उन तीनों के ऊपर एक शख्स था जो सबका ख्याल रखने वाला था, जो जिसकी अपनी एक रणनीति थी, जो आगे बहुत कुछ करना चाहता था सेना के क्षेत्र में और सेना के विकास के लिए, सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए, जो खुलकर बोलता था। कामराज मार्ग से बरार स्क्वायर तक करीब 9 किलोमीटर का ये अंतिम सफर था। जनरल रावत के आखिरी सफर में TV9 भारतवर्ष की टीम भी साथ चल रही थी। 43 बरस तक सेना में रहकर देश की सेवा करने वाले बिपिन रावत को लेकर लोगों का सम्मान आसमान पर था। वक्त में धौला कुआं राउंड अबाउट पर मौजूद हूं, और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पूरे सैन्य सम्मान के साथ जनरल बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है, जो अंतिम यात्रा है, वो यहां से गुजर रही है। देखिए किस तरीके से सेना के जवान आपको ट्रक में दिखाई देंगे। ठीक पीछे वो ट्रक मौजूद है जो फूलों से सजा हुआ है, जिसमें जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। और ठीक उसके आगे देखिए तीनों सेना के जवान मौजूद आपको नजर आएंगे, नेवी के, आर्मी के, इसके अलावा एयरफोर्स के सभी जवान। ये देखिए किस तरीके से ट्रक में बैठकर ठीक आगे अपने जनरल को, अपने देश के सपूत को अंतिम विदाई देते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। दोपहर 3:33, जनरल का पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर पहुंचा।
करीब सवा घंटे की इस महायात्रा के शुरू होने से पहले तीन कामराज मार्ग पर बहादुर जनरल को श्रद्धांजलि दी गई। सुपर सेनापति को आखिरी बार पुष्प अर्पित करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई। सरकारी आवास में पार्थिव शरीर को रखा गया अंतिम दर्शन के लिए। जो वीर योद्धा चार दशकों तक देश की हिफाजत के लिए लड़ता रहा, सोचता रहा, उस राष्ट्र रक्षक को अंतिम प्रणाम करने के लिए कौन नहीं पहुंचा। गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, देश के तमाम मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी गए थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे, मंत्री, संतरी, नेता, विधायक से लेकर आम लोग तक कौन नहीं था। देखिए ना, जिसको मौका मिला वही खड़ा था जांबाज जनरल को आखिरी बार प्रणाम करने के लिए। तिरंगे में लिपटे जनरल रावत को अंतिम बार आंखों के जरिए हमेशा के लिए दिल में उतारने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। जनरल रावत के घर पर हजारों की भीड़ इकट्ठा थी और इस भीड़ में था वो बच्चा, वो नवासा जो अपने नाना नानी को खोज रहा था। जनरल रावत की बड़ी बेटी ने अपने बेटे के हाथ में फूल देकर नाना नानी के पार्थिव शरीर को समर्पित करने के लिए कहा। मासूम ने एक दो बार ऐसा किया, फिर वो बच्चा फूलों से खेलने लगा। उसे क्या पता कि क्या से क्या हो गया है उसके साथ, नाना नानी कैसे साथ में विदा हो गए उसे छोड़कर। जब जनरल रावत को उनके घर पर लोग श्रद्धा के फूल चढ़ा रहे थे, तब टीवी 9 भारतवर्ष पर लोग देश के कोने कोने से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। भोपाल, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, देहरादून, जम्मू, श्रीनगर से लेकर जयपुर, मुंबई, दिल्ली तक कोने कोने में टीवी 9 भारतवर्ष ने श्रद्धांजलि दी। हमारे साथ तमाम लोगों ने जनरल रावत को याद किया, उनके पराक्रम और दूरदर्शिता का जिक्र किया। सुनिए जरा देहरादून से कैसे लोग भावुक थे जनरल को याद कर। जनरल साहब उत्तराखंड के बेटे तो थे ही, हमारी आन बान शान तो वो थे ही, लेकिन उन्होंने देश में जो उत्तराखंड का सम्मान बढ़ाया और पूरे विश्व में हिंदुस्तान की सेना का लोहा मनवाया। कोलकाता में भी लोगों ने जनरल रावत को याद किया, श्रद्धांजलि दी। इस बातों से वो बोलते थे एक बहादुर की तरह वो सिपाही हम लोग खोए हैं, जिनके बातों से पाकिस्तान दूसरा देश आतंकवाद अपना नतमस्तक हो जाता था, उस बहादुर देश के सिपाही को हम लोग खोए हैं। ये तस्वीर श्रीनगर की है जहां लोगों ने फूल चढ़ाकर उस जनरल को याद किया जिसकी दूरदर्शी सोच ने घाटी से आतंकवाद का नाश किया। भारतीय सेना के एक जांबाज वीर सैनिक, हमारे पराक्रमी योद्धा जनरल बिपिन रावत साहब को आज पूरा देश, 135 करोड़ हिंदुस्तानी उनको नमन कर रहे हैं। चंडीगढ़ की डिफेंस अकेडमी में लोगों ने देश के सुपर कमांडर को नम आंखों से याद किया, फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। जनरल रावत जी, जो उनका अनटाइमली डिमाइस हुआ, बहुत बड़ा लॉस है। स्पेशली वो रोल मॉडल थे, आइकन थे पूरे इंडिया के लिए और स्पेशली यूथ के लिए। भारत के दूसरे हिस्से में भी लोग टीवी 9 भारतवर्ष के साथ मिलकर जनरल बिपिन रावत की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर रहे थे, देश के लिए उनके काम को याद किया। इस श्रद्धांजलि सभा के बीच दिल्ली के परार स्क्वायर में जनरल रावत को आखिरी विदाई दी गई। गोलियों की गूंजती आवाजों के साथ जनरल रावत को उनकी पत्नी के साथ विदा कर दिया गया। बेटियों ने मुखाग्नि दी और फिर निष्प्राण शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आसमान में विलीन हो गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।